फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हमको कहना होता है कि जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, या जो नेता भाषण दे रहा है वो बेईमान है, या जो आदमी काम कर रहा है वो मेरा दोस्त है। तो फ्रेंड्स, आइए सीखें कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोलना है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल जरूर है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा आज का पहला सेंटेंस है, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले मैं आपको इसे टुकड़ा टुकड़ा करके समझाऊंगा ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले सीखे जो लड़का, या जो आदमी, या जो कुर्सी, या जो नेता, इन सब की इंग्लिश कैसे होगी। फ्रेंड्स, वर्ड जो के लिए आप हु या विच का यूज करेंगे। जो के बाद आने वाला नाउन अगर वो लिविंग है, यानी उसके अंदर जान है, तो आप जो के लिए हु का यूज करेंगे। और अगर जो के बाद आने वाला नाउन नॉन लिविंग है, यानी बेजान है, तो आप जो के लिए विच का यूज करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इसे करके देखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले लिखा है जो, उसके बाद एक नाउन है लड़का, लेकिन आप इसकी इंग्लिश ऐसे न लिखें। जो के लिए हु और लड़का के लिए द बॉय। अगर आप ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सेंटेंस रॉन्ग होंगे। सबसे पहले आपको नाउन लिखना होगा जो है लड़का, तो आप लिखेंगे द बॉय। उसके बाद आप जो की इंग्लिश लिखेंगे जो होगी हु। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे, वर्ड जो की इंग्लिश आपको नाउन के बाद में लिखना है, पहले नहीं लिखना है। फ्रेंड्स, लिखा है जो आदमी, तो सबसे पहले आप लिखेंगे द मैन, उसके बाद आप जो की इंग्लिश लिखेंगे हु। आप ऐसा ना करें, जो के लिए हु और आदमी के लिए द मैन, ऐसा आप बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो जाएंगे। फ्रेंड्स, लिखा है जो कुर्सी, तो सबसे पहले आप नाउन लिखिए द चेयर, उसके बाद आप जो की इंग्लिश लिखिए विच। हम यहाँ विच का यूज करेंगे क्योंकि कुर्सी एक नॉन लिविंग नाउन है, और जब जो के बाद आने वाला नाउन नॉन लिविंग हो तो हम हु के जगह पर विच का यूज करते हैं। जो नेता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द लीडर, उसके बाद जो की इंग्लिश होगी हु। तो फ्रेंड्स, आपने यह सीखा कि अगर लिखा हो जो कलम, तो आप कहेंगे द पेन विच, जो शहर द सिटी विच, जो दुकानदार द शॉपकीपर हु, जो मजदूर द लेबरर हु, जो उस्ताद द टीचर हु, जो गांव द विलेज विच, जो घर द हाउस विच। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आई कि जब जो के साथ कोई नाउन लिखा हो तो सबसे पहले आप उस नाउन की इंग्लिश बोलेंगे, उसके बाद आप जो के लिए हु या विच का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब पूरी बात समझें। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है जो लड़का खेल रहा है वह एक डॉक्टर है। चलिए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो लड़का खेल रहा है, सबसे पहले हम जो लड़का की इंग्लिश लिखेंगे और वो होगी द बॉय हु, यानी जो के लिए हमने लिखा हु और लड़का के लिए मैंने लिखा द बॉय। अब आगे है खेल रहा है, तो हम लिखेंगे इज प्लेइंग। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप सोचें कि यहाँ पर इज क्यों, प्लेइंग क्यों, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और ये बात मैंने आपको पार्ट 8 में सिखाया, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो पार्ट देख चुके हैं और ये चीज आपको आती है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। जो लड़का खेल रहा है द बॉय हु इज प्लेइंग। अब फ्रेंड्स, आइए इस पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं। वह एक डॉक्टर है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जिसकी शुरुआत जो से हो, आमतौर पर जब दूसरी पार्ट की शुरुआत होती है तो उस पार्ट की शुरुआत या वह, ये, वे से होती है, यानी दूसरी पार्ट के शुरू में या चाहे वह, ये या वे लिखी होती हैं, बट जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यह वह ये वे की इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वह एक डॉक्टर है, तो सबसे पहले मैं इसको गलत ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपको मैं अच्छा से समझा सकूं कि यहाँ पर क्या गलत हो रही है। वह एक डॉक्टर है, ही और है के लिए इज ए डॉक्टर, अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में तो जब आप दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करें तो यह या वह, ये या वे
जो भी यहाँ लिखा हो उसकी इंग्लिश आप हटा दें या उसकी इंग्लिश छिपा दें, यानी यह वह ये वे, इनमें से कोई भी वर्ड हो तो आप उसकी इंग्लिश ना लिखें। तो ये हुआ एक करेक्ट सेंटेंस। जो लड़का खेल रहा है वह एक डॉक्टर है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज अ डॉक्टर। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखें ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। जो आदमी आ रहा है वह मेरा दोस्त है। फ्रेंड्स आइए देखें कि इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। जो आदमी आ रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो आदमी की इंग्लिश जो होगी द मैन हु। अब आ रहा है इज कमिंग। जो आदमी आ रहा है द मैन हु इज कमिंग। आइए फ्रेंड्स अब दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करें। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दूसरे पार्ट की शुरुआत वह से हुई है। तो जनरली दूसरे पार्ट की शुरुआत यह वह ये वे से ही शुरू होती है और इन वर्ड्स की इंग्लिश यानी यह वह ये वे की इंग्लिश आपको नहीं लिखना है, आपको उसे छोड़ देना है। तो आइए फ्रेंड्स इसे करके देखें। सबसे पहले मैं यह वह की इंग्लिश लिखूंगा ताकि आपको समझ आ सके कि क्या गलत हो रहा है और यहाँ क्या आपको नहीं करना चाहिए। वह मेरा दोस्त है यानी ही इज माई फ्रेंड। यहाँ पर वह की इंग्लिश नहीं लिखनी है इसलिए मैं ही को मिटा दूंगा या ही को हाइड कर दूंगा और ये कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स आपने यह सीखा कि अगर लिखा हो जो आदमी तो आप लिखेंगे द मैन हु। सबसे पहले आप उस नाउन को लिखेंगे, उसके बाद जो के लिए आप हु या विच का यूज करेंगे, उसके बाद आपके सेंटेंस जिस टेंस में हो आप उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करें। अगर प्रेजेंट में हो तो आप उसे प्रेजेंट में ट्रांसलेट करें। अगर पास्ट या फ्यूचर में हो तो आप उसे पास्ट या फ्यूचर में ट्रांसलेट करें। और फ्रेंड्स जब आप दूसरे पार्ट को ट्रांसलेट करें तो शुरू में यह वह ये वे लिखा होगा, उसकी इंग्लिश आपको नहीं लिखनी है। फ्रेंड्स अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। फ्रेंड्स लिखा हुआ है जो नेता इंग्लिश बोलते हैं वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स इसे ट्रांसलेट करते हैं और इसके बाद मैं आपको एक खास बात बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करें। जो नेता हम लिखेंगे द लीडर्स हु। अब यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश बोलते हैं स्पीक इंग्लिश। अब मेरा दूसरा सेंटेंस है फ्रेंड्स वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ वे जिसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है, तो बचा दूसरों को प्रभावित करते हैं तो आप लिखेंगे इम्प्रेस अदर्स। जो नेता इंग्लिश बोलते हैं वे दूसरों को प्रभावित करते हैं। द लीडर्स हु स्पीक इंग्लिश इम्प्रेस अदर्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। आइए फ्रेंड्स एक खास बात जानें। फ्रेंड्स ये लास्ट एग्जांपल है और बहुत दिलचस्प एग्जांपल है। फ्रेंड्स अभी तक आपने सीखा कि जो के साथ एक नाउन आती है, जैसे जो लड़का, जो नेता, जो दुकानदार, जो कुर्सी। तो आपने यह सीखा कि जो के बाद एक नाउन आती है। लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि जो के बाद कोई नाउन नहीं रहता है। एग्जाम्पल जो रो रहा है वह भूखा है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो के बाद कोई भी नाउन नहीं है, यानी यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन रो रहा है, जो लड़का, जो लड़की, जो आदमी, जो औरत या ऐसी कोई बात नहीं है। जो के बाद डायरेक्ट एक वर्ब है रोना। फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं जो नाच रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं, यानी यहाँ पर मैंने कोई नाउन ना बोला कि जो लड़के नाच रहे हैं या जो आदमी नाच रहे हैं। तो फ्रेंड्स कई बार आपको ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जहां जो के बाद कोई नाउन ना हो। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स आप जो के लिए वन हु का यूज करेंगे, यानी जो के लिए आप हु लिखेंगे लेकिन उसके पहले आपको वन लिखना होगा। और कई बार आप दोज हु का यूज करेंगे तो फिर आपको ये समझना होगा कि कब आपको वन हु लिखना है और कब आपको दोज हु का यूज करना है। फ्रेंड्स अगर सेंटेंस पढ़ने से आपको ये पता चले कि यहाँ किसी एक आदमी की बात हो रही है तो आप वन हु का यूज करें। जैसे कि इसको पढ़ने पर पता चलेगा कि किसी एक आदमी की बात हो रही है, जैसे जो रो रहा है वह भूखा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर सेंटेंस पढ़ने पर यह पता चले कि यहाँ ज्यादा लोग हैं या यहाँ ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, जैसे जो नाच रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं, तो जब आपको पता चले यहाँ ज्यादा लोगों की बात की गई तो आप दोज हु का यूज करेंगे। कैसे करना है आइए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखें। जो रो रहा है आप लिखेंगे वन हु इज वीपिंग। आगे लिखा हुआ है वह भूखा है,
तो वह की इंग्लिश आपको छोड़ देनी है। तो बच्चा भूखा है, इज हंग्री। तो पूरा सेंटेंस हुआ, जो रो रहा है वह भूखा है। वन हु इज वीपिंग इज हंग्री। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो जो नाच रहे हैं वे मेरे दोस्त हैं, तो आप कहेंगे दोज हु आर डांसिंग। अब लिखा हुआ है वे मेरे दोस्त हैं, तो आप वे की इंग्लिश छोड़ दें, मेरे दोस्त हैं यानी आर माई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अगर जो के बाद नाउन नहीं होगा तो भी आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। अगर उसमें एक लोग की जिक्र हो तो आप वन हु का यूज करेंगे। अगर एक से ज्यादा लोगों का जिक्र हो तो आप दोज हु का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक गलती कभी ना करें, यानी आप वर्ड हु को शुरू में कभी ना लिखें, क्योंकि जब आप वर्ड हु को शुरू में लिखेंगे तो हु की इंग्लिश जो नहीं बल्कि हु की इंग्लिश कौन हो जाएगी। और ये बात मैं आपको पार्ट 19 में सिखा चुका हूँ कि जब आप वर्ड हु का यूज जो के लिए कर रहे हैं, जो के पहले कोई नाउन लिखना होगा, अगर नाउन नहीं है तो वन या दोज लिखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।